बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुसाफरों के लिए नई सफर हदायत जारी की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आपको बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने डाटा शेयर किया है कि 20 जून से लेकर 25 जून तक कितनी फ्लाइट पाकिस्तान में आई हैं और 26 जून से 1 जुलाई तक कितनी फ्लाइट मजीद पाकिस्तान में आएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर मौजूद है, 20 जून से 25 जून तक इनबाउंड फ्लाइट्स जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए हैं, 25,223 पैसेंजर इन 5 दिन के अंदर पाकिस्तान में आए हैं और इनबाउंड फ्लाइट्स की तादाद थी वो 170 फ्लाइट्स आई हैं। आउटबाउंड फ्लाइट्स जो कि यहां से बैरून मुल्क परवाजें गई हैं उसके अंदर 10,838 इतने पैसेंजर बाहर के हैं और 176 176 फ्लाइट्स के थ्रू 10,838 लोग बाहर गए। अब ये जो वीक है, ये जो 5-6 दिन है, 26 जून से लेकर 1 जुलाई के दौरान कितनी फ्लाइट्स जाएंगी, तो इनबाउंड फ्लाइट्स तो ये जो अराइवल का डाटा है 63 फ्लाइट्स होंगी और आउटबाउंड फ्लाइट्स जो यहाँ से बाहर जाएंगी 134 फ्लाइट्स होंगी। इनबाउंड फ्लाइट्स की तादाद लास्ट 5 डेज के मुकाबले में कम है। पहले इनबाउंड फ्लाइट्स 170 थी जिसके अंदर 25,223 लोग आए थे, अब ये उसका हाफ 63 है, तो कम अज कम ये जो आने वाले दिन है इसके दौरान 12 से 13 हज़ार लोग 26 जून से 1 जुलाई तक आ सकते हैं इस डाटे के मुताबिक। अब हम बात करते हैं जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुसाफरों के लिए नई सफर हदायत जारी की हैं, तो कोरोना के आमिल मुसाफरों के टिकट जारी करने से रोक दिया गया। तफसीरात के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी की जनब से नई ट्रैवल एडवाइजरी से मुतलक जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत तमाम एयरलाइंस को कोरोना वायरस के आमिल मुसाफरों को टिकट जारी करने से रोक दिया गया, यानी कि जिन लोगों के अंदर कोरोना वायरस की वबा पाई जाएगी उनको टिकट जारी नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना वायरस के अलामत में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बहार और सांस लेने में दुश्वारी के आमिल मुसाफरों को एयरलाइन टिकट जारी ना करें। टिकट लेने के बाद मुसाफर में कोरोना वायरस के अलामत ज़ाहिर होने पर एयरपोर्ट नहीं आए, मुसाफर सिर्फ अतला देने का पाबंद होगा। 26 घंटों के अंदर कोरोना क्लियर की रिपोर्ट के आमिल मुसाफरों को तरजीह दी जाएगी, यानी कि 26 दिन का मतलब है 4 दिन पहले। ख्याल रहे कि कोरोना के फैलाव रोकने के लिए मजकूरा इकदाम उठाया गया है, कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र मुसाफरों का एयरपोर्ट पर मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर और समाजी फासला भी ज़रूरी है। यह थी ताज़ा तरीन अपडेट, मजीद कोई अपडेट मिलती है तो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।